हेलो गाइस, माय नेम इज शुएब खान एंड माय ब्लॉग। तो आज हम जाएंगे मोइन भाई के साथ में घूमने। ये इनकी एनएस खड़ी हुई है, इससे हम जा रहे हैं रतलाम। मेरे को थोड़ी बाजार में शॉपिंग भी करनी है, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, उसका देश करेंगे और उसके आप भी मिलते हैं। आधे रास्ते तक तो पहुँच चुके हैं हम। मौसम की वजह से हम ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज देखिए कितना खुला मौसम है। और यार अपने इंडिया के गड्ढे गड्ढे की तो कुछ बात ही कुछ हो रही है। इतने गड्ढे हैं, इतने गड्ढे हैं कि बस आप पूछो ही मत। आज ज़्यादा पब्लिक नहीं है क्योंकि आज राखी है और आज सब अपने अपने घर पे राखी रक्षाबंधन मना रहे हैं और आज हम घूमने भी जा रहे हैं। और आज थोड़ा रतलाम में शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, उसके बाद बस वापस आ जाएंगे अपन। ये एक और दरगाह है। बाहर निकलते हुए तो मोइन भाई गाड़ी किधर लोगे? इधर साइड। यहाँ पे कटिंग कराऊंगे क्या है? तो अभी थोड़ा हेयर स्टाइल कराएंगे मोइन भाई। मैंने तो खैर करा लिया बट मोइन भाई कराएंगे अभी। तो यहाँ पे मोइन भाई थोड़ा हेयर स्टाइल करवाएंगे। और मोइन भाई दुकान का नाम क्या है? दुकान का नाम तो मेरे को भी नहीं मालूम। और यहाँ पे अभी कस्टमर बैठे हुए हैं और मोइन भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख ही सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे बहुत शानदार कटिंग होती है, यहाँ का एड्रेस जौरा रोड पे। और
बहुत प्यारी दुकान है, अंदर से भी काफ़ी बेहतर बना रखी है इन्होंने दुकान। बाल आ सकते हैं इस जगह पे। काफ़ी ही देर हो गई यार, आ गए काफ़ी देर बाद आए मोइन भाई। चले नहीं करी मोइन भाई, क्या करा है फिर, निकालो गाड़ी। तो ये है दुकान, बहुत भारी गाड़ी है यार ये। इनको भाई साहब हेयर स्टाइल करानी थी कोई सी एक, तो उसके 5,000 रुपये बता रहे। अब वो ना जाने कौन सी है हेयर स्टाइल। वापिस मौसम पहले सरीका ही हो गया। गर्मी लग रही है यार, हम हो चुके हैं चौपाटी। कब से घूम रहे हैं हम रतलाम में, कितने टाइम हो, कब से घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। अब शॉपिंग करने का बजट यहाँ पे 2400 घंटे ये टेंट लगा रहता है, ये देखिए आप। कालका माता आते हुए तो यार यहाँ पर तो भीड़ बहुत है, तो हम जा रहे हैं अब दूसरी जगह। बोलते हैं इस जगह को, यहाँ पे जूते चप्पल भी मिल, मतलब हाँ यार जूते चप्पल का गढ़ है ये समझो आप, यहाँ पर जूते चप्पल ही मिलते हैं इसलिए इसे मोचीपुरा बोला जाता है। ये मतलब काफ़ी दुकान है यहाँ पे जूते चप्पल की, इसलिए इसे मोचीपुरा बोला जाता है। और अब महल वाला की तरफ इंटर करते हुए देखो, डॉग को देखो रोड पे मूत रहा है।
जवान अली चलेंगे देखने। जवान जवान आएगी 7 तारीख को जवान। तो यहाँ पे हम मेरा ड्रेस का कपड़े लेने आ चुके हैं दुकान में। मैं कह दूंगा गला ही नहीं है, वो भी अगर 5-10 पॉइंट गलाएगा कह देगा कहाँ गलाया हुआ है। इसलिए अपन सर्टिफाइड करो चले। अपनों का टाइम लग रहा है कि पैसे लग रहा है गलाने, क्या हो रहा है अपन को संतुष्टि देगी। आज गला देना, कल डाल देना। आज उसको गला तो ये लिया है हमने, इसे बैठते जवाब मिलते आपसे। अभी हम गए थे काम से, वो काम हो गया है और हम निकल रहे हैं दादाजी से, थोड़ा काम था हमारे को। चलो निकलते अभी हम। यह हमारा पिंगल वाला, भूख लग रही है, भूख लग रही है देख। ये महल वाला है हमारे यहाँ का, नंबर दिख रहे वहाँ की, हर जगह ही नंबर है यार, हर जगह ही नंबर है। जा जा जाए वहाँ वहाँ नंबर है। खाली बनेगी वो तो जो कुछ बनेगा। तो अभी हम जहाँ पर भी कटिंग कराने जा रहे हैं वहाँ पर नंबर ही नंबर लग रहे हैं भाई, जिधर भी जाए। क्या ले क्या नहीं ले, तो अभी भूख लगे थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं अपन जाके। चाय पियेंगे अभी हम, चाय लगती है हमारे मोहिन भाई को। मोहिन भाई बहुत घूमे अपन है। ये क्या जाने की तरह पंखे शायद ऊपर बैठे रखी है, तो मैं डायरेक्ट पंखे के नीचे बैठा हुआ। दुकान है चाय आते हुए भी हमारी, हम चाय पीएंगे। आप भी पी लो भाई चाय। मुंबई की चाय खाता हूँ, चाय बाकी है निकल रहा है। मोहिन भाई चाय काफ़ी अच्छी है, मुझे चलिए अपनी एन एस पे बैठी है, चाय काफ़ी अच्छी बनाई है। चल आगे चल बैठी
भाई मेरी मेज पहले ले लेता हूँ भैया, अलग देख रहे दुकान है बालाजी टी स्टॉल। तो ये भैया की दुकान है, ये भैया के चाय बहुत अच्छी मिलती है महलवाड़ा पे, महलवाड़ा पे। यहाँ पे लोकेशन देख लेना आप, ये भैया की दुकान है। यह मेरा फर्स्ट ब्लॉग है इसके चैनल। ये भैया की दुकान है यहाँ पे, ये बालाजी नाश्ता पॉइंट। तो अभी जस्ट निकल रहा है अभी अपने यहाँ पे। तो आप सीधे अपन घर पे ही जा रहे हैं। तो आपसे अब हम घर पे ही मिलते हो के बाय। चलो आ गए अब हम, जहाँ से निकले थे वहाँ पर वापस आ चुके हैं। मतलब जिस जगह से निकले थे अपन उस जगह पर वापस आ चुके हैं। यहाँ और तीन चार बार जिस जगह से हम वापस आ चुके हैं। और आपको अगर यहाँ तक ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के और किसी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम।